वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में बहुत ही टेस्टी से ऑरेंज आलमंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत अमेजिंग बनता है ये। टी टाइम केक है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही हमने इसे एगलेस बनाया है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छे से ऑरेंज मिल रहे हैं इस टाइम पे, तो ज़रूर से इस ऑरेंज आलमंड केक को आप ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस ऑरेंज आलमंड केक को बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप हम यहाँ पे दूध ले लेंगे। दूध जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ml के हिसाब से देखेंगे तो ये 190 यानी 190 ml मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। 1/3 कप हम इसमें ऑयल डाल देंगे। कोई भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। आप चाहें तो आधा बटर और आधा ऑयल भी ले सकते हैं। इसी के साथ ना हम इसमें डालेंगे यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस, जो मैंने अगेन लिया है यहाँ पे 1/3 कप, यानी जितना हमने ऑयल लिया है 1/3 कप उतना ही मैंने यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है। ऑरेंज जूस आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज का जेस्ट डाल दिया है जिससे कि जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर ऐड करें हमारे केक में। साथ ही हम यहाँ पे 3/4 यानी 3/4 कप ही इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में पीस कर मैंने इसका पाउडर कर लिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी भी बढ़िया से इसमें घुल जाए। तो इस तरीके से कुछ सेकेंड्स के लिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 100 ग्राम हम ये आलमंड पाउडर। तो मैंने नॉर्मल जो हमारे आलमंड्स होते हैं यानी कि बादाम होते हैं उसे मिक्सी जार में पीस लिया था। 100 ग्राम मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, उसका पाउडर बना के इसमें डाल देंगे। छन्नी रखेंगे इसके ऊपर, 1 कप मैदा डाल देंगे। ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम डाल देते हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से यहाँ पे छान लेना है। और इस तरीके से छानने के बाद अच्छे से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें, बैटर को कभी भी ओवर मिक्स ना करें। तो इस तरीके से मैंने बैटर बना लिया है। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हुआ है। 6 इंच का मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया है, इसे मैंने यहाँ पे बटर पेपर से लाइन कर लिया है और तैयार किया हुआ सारा बैटर इसमें डाल देंगे। 2 से 3 बार इसे टैप कर लेंगे। ऊपर से थोड़े से हम इसमें आलमंड्स डाल देंगे, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो थोड़ा इस तरीके से मैंने आलमंड्स डाल दिए हैं। अब केक को हम बेक कर लेंगे यहाँ पे OTG या फिर ओवन में 170°C पे इसे बेक करेंगे। इसे थोड़ा सा बेक होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, 45 to 50 मिनट्स आराम से लग जाएंगे। तो लगभग मेरा केक यहाँ पे 55 मिनट्स में अच्छे से बेक होकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसका बटर पेपर निकाल लेंगे और इसे कट करके हम इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। इस केक का जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा इसे मावा केक का टेक्सचर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। काफ़ी ज़्यादा आलमंड्स का हमने इस्तेमाल किया है, उसका जो टेस्ट है साथ ही ऑरेंज का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ज़रूर से इस केक को ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये केक बन के तैयार होता है। एगलेस है तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं आप। रेसिपी काफ़ी अमेजिंग है, एक बार ज़रूर से आप इसे बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।